दिल्ली में गोलियां चलवाते हैं, दिल्ली में मर्डर करवाते हैं, तो दिल्ली में अगर कोई आतंक फैला रहा है उसका नाम है अरविंद केजरीवाल जी। साहब कह रहे हैं कि हम लोग आएंगे तो गरीबों के मकान इनकी झुग्गियों को तोड़ते हैं। मैं उनसे केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में हमारी सरकार रही 93 से 98 के बीच में, आपको एक भी झुग्गी बताइए जिसको हमने तोड़ने का काम किया हो। देश में हमारी सरकार है 11 साल से, आपको एक भी झुग्गी बताइए जिसको हमने तोड़ने का काम किया है। और आप तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो बार बार ये केवल बस्ती के लोगों के दिमाग में डालना और ये भ्रम डालना और ये झूठ बोलना, इससे काम नहीं चलेगा। आप ये बताइए कि आपने झुग्गी के लिए क्या किया है, क्या आपने वहां पे अच्छा पानी दिया, क्या आपने बिजली दी, क्या वहां पे शौचालय की व्यवस्था कराई, क्या वहां पे साफ सफाई कराई, क्या वहां पे सीवर लाइन डलवाई, या कितने लोगों को आपने पक्का मकान दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश में लाखों लोगों को पक्का मकान दिया है, और हम आज भी कहते हैं जहां पे झुग्गी होगी वहां पे उनको पक्का मकान दिया जाएगा। मगर हमको मौका मिलना चाहिए, जब तक हमको मौका नहीं मिलेगा हम अपनी बात को सच नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी, जो देश में सरकार चल रही है, क्योंकि केजरीवाल साहब से तो कुछ भी पूछते वो बोलते हैं कि मेरे को काम नहीं करने दिया जाता, हर बार कोई नया बहाना लेकर बैठ जाते हैं। दिल्ली में एक काम किया तो शराब के बदले में शराब परोसने का काम किया और उसमें भी घोटाला किया। तो एक बार मनीष सिसोदिया को अपने अंदर में झांकना चाहिए। जो व्यक्ति शराब के मामले में जेल में रह चुका हो वो ऐसी बातें बोलते हुए अच्छा नहीं लगते हैं। मैंने यही अभी आपको जवाब दिया कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इनसे बड़ा झूठ की दुकान कोई नहीं है कि दिल्ली में गरीब लोगों का ना तो जीवन कोई सुधार कर रहे हैं, बल्कि उनके दिल में उनके दिमाग में डर बिठा रहे हैं कि हम लोग आके उनकी झुग्गी तोड़ेंगे। हम लोग कोई यहां पर दिल्ली में राजनीति करते हैं, दिल्ली में सेवा का काम करते हैं, हम चाहते हैं कि गरीब के बच्चे के सपने पूरे हों, उनको पक्का मकान मिले, जहां झुग्गी है वहीं मकान मिले और उनको अच्छी सारी सुविधाएं मिले। केजरीवाल जी उनको सुविधाएं नहीं देते हैं। दूसरी तरफ जो बार बार वो हमारे गृहमंत्री जी के ऊपर में आरोप लगाते हैं, इनके खुद के विधायक जो बड़े बड़े गैंगस्टर से, बड़े बड़े डॉन से, उनसे फोन पर बात करते हैं, दिल्ली में गोलियां चलवाते हैं, दिल्ली में मर्डर करवाते हैं, तो दिल्ली में अगर कोई आतंक फैला रहा है उसका नाम है अरविंद केजरीवाल।